एक विलन की रीयूनियन तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ उसका सीक्वल जरूर आ रहा है। सीक्वल को लेकर मोहित सूरी का क्या कहना है, इसकी शूटिंग को लेकर उनका क्या कहना है, चलिए सारी खबरें आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। वेल आपको बता दूं कि मोहित सूरी एक बार फिर से साल 2000 साल में आई फिल्म एक विलन का सीक्वल लेकर आ रहे हैं, जिसकी शूटिंग जो है वो मुंबई में शुरू हो चुकी है। इस फिल्म में साल 2014 में जो फिल्म आई थी, तब उस समय इस फिल्म के कर्ता धर्ता थे भूषण कुमार और एकता कपूर। इस फिल्म में नजर आई थी श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख और सिद्धार्थ मल्होत्रा। एक अच्छी लव स्टोरी, लव ड्रामा कहानी थी, एक्शन था, लव एंगल था, बहुत सारी चीजें थी और फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। अब इस फिल्म के सीक्वल की तैयारी चल रही है, जिसमें इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। दिशा पाटनी और साथ में जॉन इब्राहिम नजर आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों फर्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। बता दूं आपको कि मुंबई में इसकी शूटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है मंडे से ही। अब इस बात को लेकर मोहित सूरी का कहना है कि यहाँ पर उन्हें ये शूटिंग जो है वो बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, साल 2020 में ही, लेकिन क्योंकि पैंडेमिक था और पैंडेमिक के चलते सभी शूटिंग्स जो थी वो अलाउड नहीं थी, इसके चलते शूटिंग में देरी हुई है। और यही अब जो है फिलहाल जो है मोहित सूरी काफी ज्यादा खुश है कि वो बैक टू द पवेलियन आ चुके हैं, यानी कि फिर से शूटिंग शुरू हो चुकी है, फिर से जहां थे वहीं पर उनकी शुरुआत हो चुकी है। बता दूं आपको कि इस बार भी इस फिल्म से जुड़ी हुई है एकता कपूर। जी हाँ, एकता कपूर को भी काफी खुशी है इस बात की कि वो फिर से इस सीक्वल का, इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा रही है। सो गाइस, आप लोग मुझे बताइए कि दिशा पाटनी और जॉन इब्राहिम की जोड़ी को एक साथ देखने के लिए एक विलन में, एक विलन एक ऐसी कहानी जिसका विलन कौन है, जिसके सरप्राइजेस कितने सारे हैं आपको पता चलेंगे सिर्फ मूवी में। तो बताइए कमेंट सेक्शन में राय कि आप लोग कितना एक्साइटेड हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बॉलीवुड और टेलीविजन की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।